जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने दोस्तों इन 59 चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन कर दिया है। अब इससे दोस्तों बहुत से लोग खुश तो हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज भी है यार। अभी इन ऐप को बैन तो कर दिया यार, लेकिन इनकी जगह पे यार हम कौन से ऐप इस्तेमाल करें, ये भी एक सवाल उठता है। डोंट वरी दोस्तों, मैं हूं ना, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन्हीं पॉपुलर चाइनीज ऐप के अल्टरनेटिव के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिनका इस्तेमाल इंडिया में काफी ज्यादा किया जाता है और इनका इस्तेमाल आप इन चाइनीज ऐप्स की जगह पे कर सकते हैं। और बेस्ट बात यह है कि दोस्तों ये जो ऐप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये नॉन चाइनीज है, कुछ इंडियन ऐप्स है, यहाँ पर कोई भी चाइनीज ऐप नहीं है, तो ये बिल्कुल सिक्योर एंड ट्रस्टेड है। नंबर वन ब्राउजर। वेल दोस्तों बहुत सारे ऐसे चाइनीज ब्राउजर है जो गवर्नमेंट ने दोस्तों बैन कर दिया है, और हो सकता है कि अभी भी आप उन चाइनीज ब्राउजर का दोस्तों इस्तेमाल कर रहे होंगे आपके फोन में, जिनमें दोस्तों जो सबसे पॉपुलर आता है वो है यूसी ब्राउजर। वेल आपने नाम सुना होगा, या फिर आपके फोन में ये इंस्टॉल होगा, या फिर आप इसे इस्तेमाल करते थे, या फिर अभी भी करते होंगे। वेल अगर आपके फोन में दोस्तों ये इंस्टॉल है तो अभी इसे अनइंस्टॉल कर दो, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों आपके स्मार्टफोन के लिए और आपकी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक ड्यू ब्राउजर है, सीएम ब्राउजर है, ये कुछ और ऐप्स है दोस्तों जो गवर्नमेंट द्वारा बैन किए गए हैं, तो अभी दोस्तों इसे अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो और इनकी जगह पे दोस्तों कुछ ऐसे पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्राउजर है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम। हाँ, गूगल क्रोम थोड़ा सा हैवी जरूर है, बट यार ट्रस्टेड है, गूगल का सपोर्ट आपको मिलता है। इसके अलावा आप चाहे तो फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डक डक गो जैसे एक ट्रस्टेड ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपका जो डेटा है, जो कुछ भी आप इंटरनेट में सर्च करते हो, जो कुछ भी आप इंटरनेट में देखते हो, वो सारा का सारा जो डेटा है दोस्तों वो सिक्योर रहता है। यहाँ तक कि दोस्तों डक डक गो अगर आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी किसी भी तरह की एक्टिविटी को यहाँ पर ट्रैक नहीं किया जाता, तो या इनकी जगह पर आप इन ट्रस्टेड ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफर। वेल दोस्तों इंडिया में एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में यहाँ पर फाइल, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए ज्यादातर दो पॉपुलर चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, एक है दोस्तों शेयर इट, दूसरा है जेंडर। तो अगर आपके स्मार्टफोन में अभी ये ऐप इंस्टॉल है तो फौरन इसे अनइंस्टॉल कर दो, आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। और इनकी जगह पर अगर मैं बात करूँ कि आप कौन से ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ऐप है दोस्तों जिसका नाम है फाइल्स को, और अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये गूगल द्वारा है, तो आप गूगल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इतनी कंपनी है यहां पर, ये नॉन चाइनीज कंपनी है, बाहर की कंपनी है लेकिन चाइनीज नहीं है, तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आप फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। यस, इजी है, फ्री है, फास्ट भी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप कोई इंडियन यहाँ पर ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है जियो स्विच। वेल जियो स्विच भी दोस्तों एक तरह का यहाँ पर फाइल ट्रांसफर ऐप है, जिसकी मदद से आप सिक्योरली और फास्ट स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में फाइल या फिर कह लो फोटोज, वीडियोज को ट्रांसफर कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह का एड्स देखने को नहीं मिलता, जिस तरह से दोस्तों आपको शेयर इट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इंडियन है, ट्रस्टेड है, सिक्योर है एंड फास्ट भी है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऐप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों न्यूज से रिलेटेड। वेल इंडिया में दोस्तों न्यूज पढ़ने के लिए लोग यूसी न्यूज का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे यूजर्स इसके इंडिया में हैं। तो ये दोस्तों ये एक चाइनीज ऐप है और गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों इसे बैन कर दिया गया है। तो अगर आप न्यूज पढ़ने के शौकीन हो, हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, तो दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम है गूगल न्यूज, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्ले स्टोर में दोस्तों आपको इजिली मिल जाएगा ये सारे ऐप्स। तो गूगल न्यूज में भी दोस्तों आप अपने फेवरेट पसंदीदा यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज जो भी आपको आता है, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो कुछ भी, उसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऐप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों फोन क्लीनर। वेल आप में से बहुत से लोग दोस्तों अपने फोन की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, या फिर कह लो अपने रैम को फ्री करने के लिए, या फिर फोन में कैश है, जंक फाइल को रिमूव करने के लिए कई तरह के थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें हो सकता है कि शायद आप क्लीनर मास्टर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर आपके फोन में ड्यू स्पीड बूस्टर भी इंस्टॉल होकर आप इन ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चाइनीज ऐप है और गवर्नमेंट ने इसे बैन भी कर दिया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इन ऐप को इस्तेमाल करना आई थिंक मेरे ख्याल से कोई फायदेमंद नहीं है, इन्हें अनइंस्टॉल करना ही बेहतर है यहां पर, और आपको किसी भी तरह के दूसरे ऐप को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अपने फोन में, फोन की स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर कह लो अपने फोन में रैम को फ्री करने के लिए। अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल दोस्तों यहां पर गूगल का है एक फाइल्स बाय गूगल, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सीसी क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीडियो एडिटिंग ऐप की। वेल दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट करोड़ों लोग हैं दोस्तों जो अपने स्मार्टफोन से वीडियोस को एडिट करते हैं, और बहुत से लोग दोस्तों स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करने के लिए सिंपली वीवा वीडियो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज ऐप है। यस, तो यहाँ पर इस ऐप को भी आपको सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है, और अगर इसकी जगह पर आप कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं जो कि ट्रस्टेड हो, यहाँ पर नॉन चाइनीज ऐप हो जिससे आप अपने फोन में वीडियोज को एडिट कर सकते हो, तो कुछ ऐप्स हैं जैसे कि दोस्तों इन शॉर्ट
ऐप हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको काइन मास्टर मिल जाता है, जहां पर आप प्रोफेशनल वीडियोस एडिट कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको एक पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग ऐप भी मिल जाता है। तो ये सारे ऐप्स दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एक मिनट यार, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, आपके लिए हेल्पफुल है? तो यार क्या कर रहे हो, फटाक से यार लाइक बटन जल्दी से दबा दो। ओके, अब हम नेक्स्ट ऐप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। वेल दोस्तों, इंडिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे करोड़ों यूजर्स हैं जो अपने स्मार्टफोन से दोस्तों बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो अगर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर अपने फ़ोन से दोस्तों वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, और आप कुछ नॉन चाइनीज या फिर कह लो कुछ इंडियन ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर कह लो यहाँ पर वीडियो कॉल के लिए, तो यहाँ पर नॉन चाइनीज में दोस्तों आपको तीन ऐप्स मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट टीम, दूसरा है दोस्तों स्काइप, और तीसरा है दोस्तों गूगल मीट। यस, इन ऐप की मदद से दोस्तों यहां पर आप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों कोई इंडियन ऐप चाहिए, तो यहां पर दो ऐप है। सबसे पहला है दोस्तों से नमस्ते। यस, इसकी मदद से दोस्तों आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आसान तरीके से, सिक्योर तरीके से। सेकंड दोस्तों आपको मिल जाएगा जियो मीट। यस, जियो मीट भी दोस्तों एक इंडियन ऐप है, जियो द्वारा बनाया गया है, जिसकी मदद से दोस्तों आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दोस्तों आप इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हम शॉपिंग ऐप की। वेल, हो सकता है दोस्तों आपके स्मार्टफोन में ये क्लब फैक्ट्री नाम का जो ऐप है, शॉपिंग ऐप है, शायद इंस्टॉल हो, और आपने इसमें से भी कभी ना कभी दोस्तों यहां पर शॉपिंग की होगी, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, और आपने इस ऐप को कहीं ना कहीं देखा होगा, इसकी एडवर्टाइजिंग देखा होगा, जहां पर दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते दामों में दोस्तों जो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक चाइनीज ऐप है। यस, तो यहां पर अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इसकी जगह पे दूसरा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं, तो आपको पता ही है इसके ऑल्टरनेटिव क्या है दोस्तों। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर आप चाहे तो मिंत्रा या फिर आजियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप इन ऐप्स की मदद से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप की हम बात करते हैं, जो कि है दोस्तों टिकटॉक। वेल, बहुत ही पॉपुलर ऐप है, स्पेशली दोस्तों इंडिया में इसकी जो तादाद है यूज़ करने वालों की वो करोड़ों में है। यस, और बहुत से लोग दोस्तों बैन होने के बाद, ये जो ऐप है इंडिया में ऑफिशियली बैन हो चुका है, और बैन होने के बाद कुछ लोग हैं जो इसका अभी भी दोस्तों अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, या टिकटॉक के जैसा कोई दूसरा ऐप भी आ जाए जहां पर फिर से हम वही वीडियोस डाल सके, वैसे ही क्रिंज टाइप के कंटेंट डाल सके। तो वेल, यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मेरी नज़र में टिकटॉक का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, कुछ इंडियन ऐप हैं, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यार टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को या फिर कह लो इसके जैसे कॉपी करना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। तो मेरी तरफ से दोस्तों टिकटॉक का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है भैया, नमस्ते। नेक्स्ट ऐप आता है, जो कि है स्कैनर ऐप। वेल दोस्तों, जब बात आती है इंडिया में दोस्तों कोई भी एक स्कैनर ऐप की एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, तो दोस्तों एक ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है दोस्तों कैम स्कैनर। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये एक चाइनीज ऐप है, और गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों इसे बैन भी कर दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों इस ऐप का इस्तेमाल आपने किया होगा या फिर करते हो, तो यहाँ पर आप इसे कोई भी यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो डेटा है दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज हो। यस, तो आप दोस्तों इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, और इसका दोस्तों अल्टरनेटिव है एक, जो कि है अडोबी स्कैनर। वेल, अडोबी का नाम तो आपने सुना ही है, कितनी बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है यहाँ पर, तो आप इजीली यहाँ पर अडोबी स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैम स्कैनर की जगह पे। तो दोस्तों ये थे पॉपुलर चाइनीज ऐप के अल्टरनेटिव, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा लेना, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड हाँ, सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।